आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज हाजिर हरियाणा के साथ हम सिरसा के सेतिया पैलेस में पहुंचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और 15वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को ये चुनाव निश्चित हुए थे, लेकिन किसी कारणों से चुनाव की तारीख केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आगे बढ़ा दी गई है, जो कि बिश्नोइयों का मेला लगता है, मुकाम का मेला, और भी बहुत से कारण थे जिस कारण केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख बढ़ा दी है। लेकिन आज हम हाजिर हरियाणा के माध्यम से जिस सेतिया पैलेस में पहुंचे हैं, वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं गोकुल सेतिया, जो मात्र 600 वोटों से पिछली बार पीछे रह गए थे। और आज उन्हीं के इस पैलेस के अंदर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तमाम आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कार्यकर्ता लगातार, जो गोकुल सेतिया को चाहने वाले लोग हैं, लगातार सेतिया पैलेस में पहुंच रहे हैं। गोकुल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग लगातार उनका आना जाना जारी है। लगातार हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनके मन में ऐसी क्या इच्छा है कि वो लगातार गोकुल को पसंद करते हैं, ऐसी कौन सी बात है। तमाम बातें हम लोगों से करना चाहेंगे, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप हमारे साथ मुख्य गेट देख सकते हैं, यहाँ की भीड़ से आप अनुमान लगा सकते हैं, आप यहाँ की भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं कि गोकुल सेतिया भी एक ऐसा चेहरा। इसी के साथ आप देखेंगे कि युवाओं की पूरी टोलियाँ आप देख सकते हैं, पूरे टोल के टोल यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। गोकुल सेतिया को चाहने वाले लोग, गोकुल सेतिया को पसंद करने वाले लोग लगातार यहाँ आना जाना जारी है। जहाँ तक आप देखेंगे, लगातार लोगों का आना जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार सिरसा के चाहने वाले, सिरसा के 31 वार्ड और 31 गाँव से उनको चाहने वाले लोग सेतिया पैलेस में पहुँच रहे हैं। और आज गोकुल सेतिया द्वारा जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आज ये ताकत दिखाई जा रही है, पूरा दृश्य दिखाते दिखाते आपको पूरा मैं सेतिया पैलेस का भ्रमण कराना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि पूरी भीड़ का दृश्य आप हमारे साथ देख रहे हैं, और ये मुख्य गेट है जहाँ से लोगों की एंट्री हो रही है। इसी गेट से आगे जाकर हम देखेंगे तो पंडाल के अंदर पूरे सिरसा वासी के 31 गाँव और 31 वार्ड से लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरा साथ देने का काम किया है।
मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, बैठ के निर्णय होंगे, क्या सिस्टम बनेगा देखते हैं आगे, वो भविष्य के घर में। लेकिन जो एहसान है वो एहसान है, और कोई व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता। गोकुल सेतिया जिंदाबाद, गोकुल सेतिया आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत है लगता है बहुत ज्यादा वोट दे गोकुल सेतिया के सर से जो जीतन गए। आइए अब चर्चा करते हैं, आप हमारे साथ सेतिया पैलेस के अंदर देख रहे हैं, तमाम युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद हैं, सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आखिर लोग गोकुल को बहुत चाहते हैं। पूरा पंडाल आप देख सकते हैं, पूरा खचाखच भरा नजर आ रहा है। जब तक हम इस कार्यक्रम में आए थे तो चारों तरफ यही नारे गूंज रहे थे, गोकुल सेतिया जिंदाबाद, गोकुल सेतिया जिंदाबाद। पूरा पूरा आप हजूम देख सकते हैं कि सेतिया पैलेस के अंदर पूरा हजम उमड़ा हुआ है। लोगों के साथ साथ हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोगों को गोकुल सेतिया इतने रास क्यों आ रहे हैं, तो इनसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। कैसा लगता है आप इस कार्यक्रम में आए तो गोकुल को फिर वोट्स के साथ सपोर्ट भी? बहुत सपोर्ट है। हम नाथ हैं जी, जैसा कॉलोनी सिरसा से हैं, हम सभी नाथ इनको मिलकर जताएंगे और आगे विकास में लेके जाएंगे इनको। हमारा बहुत बढ़िया जी, हर हमारे सुख दुख में गोकुल सेतिया भाई 24 घंटा साथ रहते हैं। हाँ जी, 24 घंटे गोकुल सेतिया जनता के साथ रहते हैं। जैसे कि तमाम मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर मुद्दे पर वो मुखर रहते हैं, सिरसा विधानसभा का कोई भी मुद्दा तो गोकुल के लिए इतनी मन के अंदर उमंग। हम नाथ होते हैं, गोकुल सेतिया से बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ ही रहते हैं, उसको वोट देते हैं। हाँ, देख रहे हैं आप, युवा के दिल के अंदर एक विशेष जगह बना चुके हैं गोकुल सेतिया, और तमाम लोगों के साथ हमारे लगातार प्रतिक्रिया जारी है। पूरा पंडाल देखेंगे आप, पूरा खचाखच नजर आ रहा है, और अभी लोगों के साथ भी हमारे धीरे धीरे संवाद लोगों के साथ जारी है। इसी के साथ एक युवा साथी, इनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे गोकुल सेतिया भाई का? भाई देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि गोकुल भाई दमदार बंदा है, ठीक है। मैं इसलिए आया हूँ भाई, आम जनता के साथ अकेले अकेले चलता है, ठीक है। अगर मान लो दूसरे हैं, जो दूसरे हैं वो तो चलते भी नहीं आम जनता के साथ, काम क्या करेंगे फिर 5 साल। अभी ये नहीं भी रहा मान लो MLA, फिर भी हमारे दिलों में MLA था। MLA वही होता है भाई, एक विधायक होता है, जनता का काम करता है, वही चीज है भाई, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दिलों के अंदर वो पूरी जगह बना चुके हैं, चाहे वो MLA नहीं थे लेकिन वो लोगों के दिलों में, युवाओं के दिलों में एक विशेष जगह रखते हैं। आइए इनसे चर्चा करना चाहेंगे, पूरी चर्चा करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी गोकुल को युवा चाहते हैं और बड़ों के अंदर भी इतनी दिलचस्पी? बिल्कुल जी, सारी जगह पे सारी दिलचस्पी है और सारे लोग बेताब हैं सेतिया जी को जिताने के लिए। पिछली बार थोड़ी बहुत जो गलतियां हो गई उनको हम सब सुधारेंगे और गोकुल जी सेतिया को विधायक और मंत्री बनाएंगे। जी, गोकुल सेतिया को विधायक बनाने के लिए लोग बेताब हैं, नाथ समुदाय के लोग हमारे साथ देख सकते हैं, इनसे पूरी चुनावी चर्चा करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी आज गोकुल सेतिया जी? गोकुल सेतिया को पूरी सपोर्ट है हमारी, पूरा वचन होगा जी, पूरा वचन होगा गोकुल सेतिया को पूरी, इनका कहना है सपोर्ट भी। और गोकुल सेतिया के साथ आप देख सकते हैं कि पंडाल अभी भी लोगों का लगातार आना जारी है, पूरा पंडाल खचाखच बजार नजर आ रहा है। इसी के साथ दादाजी से हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, अपना बड़ा दौर देखा जी गोकुल जी? जी सदा संघर्ष करते हैं जनता के लिए जी, अच्छे नेता है, जनता के नेता है जी, जनता की आवाज है, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता के लिए संघर्ष करते हैं। इसी के साथ हमारे भाई साहब हैं, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे जी आप गोकुल जी? अगर इस बार सिरसा के लोग गोकुल के साथ नहीं चलते तो ये बहुत ज्यादा सिरसा के लिए बुरा है। इस बार सबसे अपील यही है कि सब मिलके गोकुल के साथ चलें और भारी मतों से जिताएं। इस बार ऐसी भूल ना हो, भाई साहब का कहना है कि गोकुल के साथ चले। इसी के साथ हमारे साथ युवा भाई और इनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी आज इतना जो लोगों का लोग पूरा खचाखच पंडाल बजा रहे, युवा आ रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी खूबी है गोकुल के अंदर? जनता की आवाज सिर्फ गोकुल सेतिया ही उठा सकता है, और हमारे सिरसा में जो पिछड़ा
दस साल से, जो पिछले दस साल से हो रहा है आपको पता है, सिर्फ एक ही आवाज है जो गोकुल सेतिया ही उठा सकता है, इसलिए हम गोकुल सेतिया के साथ हैं और सदा खड़े रहेंगे। जय हिंद जय भारत। गोकुल सेतिया के साथ सदा खड़े रहेंगे, सदा साथ है। एक और युवा साथी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आपने भी पूछा भी गोकुल के सेतिया में ऐसी क्या खास बात है। गोकुल सेतिया में एक खास बात हो तो आपको बताएं, अगर मैं उनकी आपको खूब ये गाने लग गया तो यहाँ पे अपना सारा समय यही निकल जाएगा। गोकुल सेतिया एक ऐसा आदमी है जो बंदे के सुख में दुख में किसी भी प्रॉब्लम में खुद से पहले खड़ा मिलता है, और कोई नेता ऐसा नहीं है जो सिरसा के लिए ठीक है। गोकुल सेतिया ही जो है सिरसा के लिए सबसे अच्छा लीडर है, और ये लीडर नहीं है, ये सबका भाई है, सबका बेटा है, सबका दोस्त है। लीडरशिप इसको आती नहीं है बंदे को, ये अपने परिवार की तरह रखता है सब बंदों को। हमारे युवा साथी का कहना है गोकुल सेतिया जी को लीडरशिप नहीं आती, वो हमारे भाई है, वो हमारे परिवार है, ये आप क्या कहना चाहेंगे? गोकुल सेतिया एक 5 साल के अंदर पूरे शहर के वार्ड में हर एक के सुख दुख में गए, जो मौके के MLA आज तक 5 सालों में दिखा ही नहीं किसी को। आप एक आदमी कहते किसी के घर में गया हो, दुख में गया हो, सुख में गया हो, अब वोटे के चक्कर के लिए मांग रहे हैं। गोकुल सेतिया अब की बार गोकुल सेतिया। कमल भाई क्या कहना चाहेंगे? गोकुल सेतिया आज के नौजवान की आवाज है, और सिरसा के लिए वो बहुत कुछ करेगा। आप उसको वोट देंगे और जिताएंगे तो वो आपको धोखा नहीं देगा, जैसे तिलकधारी धोखा देते हैं, 5 साल आए नहीं, 5 साल के बाद मोहल्लों में आते हैं और आके पैसे बांटते हैं और अपना वोट लेना चाहते हैं। इस बार सिरसा की जनता जाग चुकी है, वोट के बदले पैसे नहीं लेगी। इस बार भाई गोकुल सेतिया को तय दिल से जिताएंगे, तय दिल से जिताएंगे। इस बार पैसा नहीं, पैसे वाले पर चोट होगी, पैसे वाले को सबक सिखाया जाएगा। मेरे साथ हमारे भाई साहब, इनसे जाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो प्रसिद्ध भूत बने हैं, ज्यादा ज्यादा रिपोर्ट बने हैं, क्या कहना चाहेंगे आप गोकुल जी के लिए? बिल्कुल सर, हम आप देख रहे हो ये प्यार, ये कोई पैसे से प्यार नहीं आया हुआ, ये उनकी मेहनत का प्यार है, ये उनका खुद का प्यार है, ये जनसलाब है, ये आप देख रहे हो, ये सारा गोकुल सेतिया का प्यार है, ये मेहनत का प्यार है, ये उनके संघर्ष का प्यार है, ये उनके मेहनत का प्यार है, ये उनका संघर्ष का प्यार है, और गोकुल सेतिया को चाहने वाले आप देख रहे हैं। कि इसी के साथ अगर बात करेंगे, हमारे साथ इनेलो के भी बहुत से कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, लेकिन इसी के साथ इनसे जानना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे जी आप? गोकुल जी, निवेदन, गोकुल सेतिया इस बार जीतेगा, बहुत दुख सुख में हर टाइम साथ है, लोगों के साथ है। सामने पंडाल में आकर बैठने का, गोकुल सेतिया इस बार वो गलती नहीं दोहराई जाएगी, वैसे गलती तो नहीं है, लेकिन आप पंडाल के अंदर खचाखच पंडाल पूरा भरा हुआ आपको नजर आ रहा है, लगातार लोगों के साथ हमारी बातचीत जारी है, लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे युवा साथी हैं जो कि जीरा जिन्होंने ले लिया, क्या कहना चाहेंगे गोकुल भाई के लिए? सर, गोकुल सेतिया आज युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा आदर्श है, और मैं चाहूँगा कि आज सिरसा की जनता गोकुल सेतिया जी को वोट डालकर उनके जो जो उन्होंने अपना सपना देखा है, जो हमारी अपोजिट पार्टी ने पेरिस बनाने का देखा था, वो तो नहीं कर पाए, बट मेरे को उम्मीद है और जो हमारा गोकुल भाई है वो इस चीज़ को पूरा कर पाएगा। तो गोकुल जी को चाहने वाले लगातार युवाओं से हमारे संवाद जारी है। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? तो आइए, अभी आप पूरा देख सकते हैं कि पूरे अभी तक भी लोगों का आना जारी है, और आप पंडाल पे देख सकते हैं मुख्य स्टेज पर लगातार। इसी के साथ इनसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे आखिर, क्या कहना चाहेंगे गोकुल जी के लिए? स्थिति जी, इस बार जीत पक्की है जी, 100% जीत पक्की है भाई साहब की। पिछली बार 600 वोट से जो पीछे रह गए, तो इस बार कितना मार्जिन? इस बार भैया कम से कम भी 50,000 वोट पहले से ज्यादा आएगी, ये जीत पक्की है। पैसे के बलबूते पर जो चुनाव होता है, जो पैसे के दम पर जो चुनाव होता है, इस बार उनको गहरी चोट लगेगी? चोट तो लगेगी, इस बार बहुत बड़ी वोटों से जीत होगी, और आप देखना आगे बहुत बड़ी जीत है गोकुल सेतिया जी की। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिससे भी हम बात करते हैं, कोई कहता है कि गोकुल हमारे संघर्ष के साथी हैं। सरदार जी से बात करना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे आप गोकुल जी को? हाँ जी सर, ऑटो मार्केट से मेरे भाई समर्थन देने के लिए गोकुल सेतिया। आज जो सरसे दे हालात ने वो किसी तो लोक नहीं है, बीजेपी दे ज्वाइन करने पहले सरसे दे आज थोड़ी जी बारिश आ जाए, तो कोई बच्चा बाहर गया हो, ऐसी बाहर गया अपने घर नहीं पहुंच सकते, बंदा
सोचन लग जाता भी कि पासों जाइए अपने घर पहुंचीए। असी इस बच्चे जोड़ा बच्चा 6-6 फुट पानी से उतर के बच्चे बचा के लिया सकता है वह की नहीं कर सकता। इसलिए अज असी इस बच्चे मजबूत करना है, विधानसभा भेजना है, जो साड़ा सरसा लवारिस हो चुका है उन्होंने असं मजबूत करके अपने सरसे वे जाके कुछ कर सके। जय हिंद जय भारत। गोकुल सेतिया जी को देख रहे हैं लगातार चाहने वाले लोगों से हमारी लगातार उनसे बातचीत हो रही है। तो पूरा दर थोड़ा सा उठा के रखा करें तो लगातार लोगों से हमारी तो क्या कहना चाहेंगे जी, कौन सा गांव है जी आपका? रटार। रटार गांव है तो रटार गांव में क्या लग रहा है इस बार, कितने वोट है जो कि अपने गोकुल भाई को पड़ जाएंगे? वोट दो हिस्से है वोट गोकुल सेतिया दे। हाँ जी, इन्हें बनाना है ये ठंड रखे है पूरा जो पूरा रखे जी फिर नहीं है, जो सब खराब हुई पड़ी है, कोई काम नहीं करता है, पानी है घरों में पानी बड़ा पड़ा है, टप्पण की जगह को नहीं है, ये जीएपी कोई काम नहीं कर रही है, बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। गोकुल सेतिया को बनाना है, पिछली बारी हम नाल से एक्टिव नाल रहेंगे और गांव सारा ही उल्टा पड़ा है, गोकुल सेतिया गोकुल सेतिया। पिछली बार भी साथ थे, इस बार भी साथ रहेंगे। आप हमारे साथ तमाम लोगों के साथ चर्चा देख रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे गोकुल जी के लिए? एक बार गोकुल सेतिया जिताएंगे जी और मेहरबानी करके विधानसभा में पहुंचाएंगे जी। आप इस बार नए युवा चेहरे को विधानसभा पहुंचा रहे हैं जी? हाँ जी, इस बार कुछ बदलाव करना चाहते हैं, पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, इस बार हम भाई गोकुल के साथ हैं और सिरसा का सुधार करना चाहते हैं। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को आने जाने में, स्टडी में, सब जगह ही है, कोई गांव में देख लो, गली कुछ भी देख लो, कोई सुनता नहीं है यार, कोई है नहीं। भाई तो है भी, इस बार मौका देंगे तो भाई सुनेंगे, तो अगली बार और मौका देंगे तो जी। इनको तो गोपाल जी को तो कितनी बार मौका दे दिया, सुनते हैं नहीं। इस बार भाई गोकुल को ज्यादा से ज्यादा वोट करें और 12 मासी भाई मां रवे भैया कोनी भी जीतता ही घरे बात जे फलाणो है, सीधी बात है, सीधा मां रहना आदमी है, कोई दिक्कत कोनी। सारों रिक्वेस्ट है भी ज्यादा से ज्यादा वोट करो। अंदर रहने वाले लोग हैं, संघर्ष के साथी हैं गोकुल सेतिया, लगातार पसीना बातें, हमारी माताएं हमारे साथ, हमारी बहनें हमारे साथ, लगातार हम माताओं से भी चर्चा करना चाहेंगे, बहनों से भी चर्चा करना चाहेंगे। अतः जी क्या कहना चाहेंगे गोकुल जी के लिए? भाई कहने चाहे जीते वास्ते वो बेचारा इन्ना संघर्ष करता पाया है, 5 साल हो गए उनको, 6-7 साल उन्हें बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, एर की बारी परमात्मा का साथ दे। परमात्मा इस बार गोकुल का साथ दे और पूरा साथ देगा भी, क्योंकि लगातार उन्होंने 5 साल जनता के बीच में जाकर पसीना बहाया, जनता के मुद्दों को उठाया है। तो हमारे साथ हमारी बहन है, इनसे और जाना चाहिए, बहन जी क्या कहना चाहेंगे गोकुल जी के लिए? गोकुल जी सेतिया जैसा कोई नहीं है, गोकुल सेतिया जैसा कोई नहीं है, गोकुल ही है जो कि जनता की आवाज उठाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, हमारी बहन हो रहे हैं, इनसे जनरे क्या कहना चाहेंगे? गोकुल सेतिया हमारे सिरसा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो करेंगे भी, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी 600 वोटों की, बहन क्या कहना चाहेंगे इस बार वो कहीं ना कहीं धक्का लग पाएगा? मैं बस यही चाहती हूँ कि इस बार गोकुल सेतिया जीते और हमें उनसे बहुत उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है वो हमारी उम्मीद पे खड़े होंगे और हम गोकुल सेतिया के साथ हैं। लगातार हमारी नारी शक्ति है, इन नारी शक्ति से हमारी लगातार बात हो रही है, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारी नारी शक्ति का लगातार गोकुल जी के लिए इतनी लोगों के मन में दिल में कैसे बसे हुए? अगर सिरसा हलके का विकास करवाना है तो गोकुल को जितवाना ही जितवाना है। गोकुल सेतिया जिंदाबाद, मैं कहूंगी गोकुल जी को जिताएंगे और विकास करवाएंगे सिरसा का, यही मेरा नारा है, गोकुल जी को जिताना है, यही का नारा है, गोकुल जी को जिताना है। हमारे साथ हमारी बहन है और आप जी, अगर हम महिलाओं के लिए कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें गोकुल भैया को आगे लाना होगा, तभी हम कुछ नया जीवन पा सकते हैं। देखिए हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी नारी शक्ति मौजूद है, लगातार आप देख रहे हैं कि पंडाल पूरा खचाखच बहनों से भी भरा नजर आ रहा है और इनसे हम प्रतिक्रिया जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी माता जी है, इनसे जानना चाहिए, माता जी क्या कहना चाहेंगे गोकुल जी के? गोकुल जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछले साल जो 500 वोटों से जीते हैं वो उनकी बेईमानी थी, ये उनकी जीत
हमारी जीत है, हमारी जीत है। और इसी के बीच लगातार हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, नारी शक्ति है, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे पूरी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये पंडाल है, कुछ देरों बाद यहाँ गोकुल सेतिया जी हैं, यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर उनसे वो जो दृश्य होगा वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन अभी तक हमारी बहनों के साथ हमारी चर्चा चल रही है, उनसे पूरी बात हो रही है। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगे गोकुल जी के लिए? गोकुल सेतिया ने सिरसा के विकास के लिए बहुत कुछ किया, सबकी मदद की। हम चाहते हैं कि वही MLA बने और विधानसभा में जाए। आप देख रहे हैं जी, आप क्या कहेंगे गोकुल जी? गोकुल सेतिया जैसा कोई इंसान नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि गोकुल सेतिया की ही जीत हो। तो गोकुल सेतिया जी की ही जीत हो, तो इस बार जो जीत है, जो जीत का अंतर पिछली बार 600 वोटों से रह गया था, तो इस बार क्या लगता है जी? गोकुल सेतिया जी ही जीतेंगे, वो पिछली बार भी हार कर जीत गए थे पर इस बार तो पूरे ही जीतेंगे। हार कर भी जीत गए थे क्योंकि 600 वोटों से पिछली बार वो पीछे रहने के बाद भी उन्होंने जनता का अभिवादन किया, नंगे पांव निकलकर पूरे बाजार के अंदर उन्होंने अपना जलूस निकाला। लोगों का कहना है कि वो MLA ना होकर भी हमारे दिलों के MLA हैं, जनता के बीच में संघर्ष करते हैं, जनता के लिए पसीना बहाते हैं और हमारी माताएं हमारे साथ है, हमारी नारी शक्ति बात हमारे साथ है। तो इनसे लगातार प्रतिक्रिया हमारी चल रही है। पूरा परिवार गोकुल को सिर्फ उनका, मैं कहूँ अगर पंजाबी परिवार ही नहीं, अगर इस बात में मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा कि अगर बात करें तो कोई पंजाबी समुदाय यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ बागड़ी समुदाय भी मौजूद है, यहाँ हर वर्ग के लोग हैं, हर तबका यहाँ मौजूद है। यहाँ सिर्फ कोई हम बात करें तो कोई पंजाबी समुदाय, पूरा बात करें तो बागड़ी समुदाय भी यहाँ पूरा मौजूद है। तो सिरसा के 31 गांव और 31 वार्ड से उनको चाहने वाले लगातार यहाँ लोग मौजूद है और लगातार हमारी उनके साथ चर्चा भी हो रही है। तो आइए और आगे जाकर भी हम बातचीत करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे सर? आपने इतना दौर देखा है, इतना जमाना देखा है, बहुत बहुत जोश है लोगों में, बहुत जोश है। अब की बार तीस हजार से ऊपर जीतेंगे अब की बार, ठीक है जी? तो मन, हाँ जी बोलिए। ये जोश पूरा चुनाव तो बरकरार रहेगा, बिल्कुल 101% रहेगा, 100% लोगों के साथ लेके चलेंगे, 101% लोगों के साथ लेके चलेंगे। तो 100% लोगों को साथ लेकर चलेंगे, पूरा जोश देखिए तब पूरा पंडाल। गोकुल सेतिया जिंदाबाद, गोकुल सेतिया जिंदाबाद, पूरे नारे आप हमारे साथ यहाँ देख रहे हैं और गोकुल सेतिया के साथ ये देख रहे हैं सिरसा का नारा, गोकुल हो हमारा। और गोकुल सेतिया के समर्थन के अंदर बहुत सारे लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, तो तमाम लोगों का देख सकते हैं आगे की ओर दिखाना चाहेंगे पूरा पंडाल के अंदर। अगर भाई को समर्थन देने के लिए आए हो तो मीडिया आगे से देखेगा। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं कि गोकुल सेतिया को सिर्फ पंजाबी समुदाय नहीं चाहता, पूरा बागड़ी समुदाय भी, पूरा SC वर्ग भी, पूरा SC वर्ग भी। और गोकुल सेतिया जी के पिताजी भी राहुल सेतिया भी यहाँ मौजूद है, तो तमाम लोगों को एक साधारण व्यक्ति की तरह ये भी अपनी कुर्सी लगाकर यहाँ बैठे हैं। ये नहीं है कि स्पेशल कोई प्लान है या कोई स्पेशल कोई कैटेगरी है, नहीं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। गोकुल सेतिया की माता जी भी यहाँ मौजूद है, बहुत सारे लोग जो उनको चाहते हैं संघर्ष के साथ ही रहे हैं गोकुल सेतिया जी, लगातार देखे इनसे प्रतिक्रिया जानना चाहिए, कितना उमंग है, कितना जोश है जी। हालात के मुताबिक और वर्करों का जोश देखते हुए लगता नहीं है कि कोई मुकाबला भी होगा, क्योंकि मौजूदा विधायक के प्रति जो लोगों के अंदर जो रोष है और गोकुल सेतिया के प्रति लोगों का जो प्रेम है, उत्साह है, उसकी जो गोकुल सेतिया के एलनाबाद सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति जो लोगों के प्रति एक लगाव है, जो काम किए हैं, उससे लगता नहीं है कि इस बार सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई चुनाव का मुकाबला रहेगा। तो जी गोकुल जी क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं आप, युवा के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? युवा अब की बार जो कमान है ना, वो युवा को ही संभालनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से शहर का हाल हुआ पड़ा है, अगर कोई युवा उठ के नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो शहर का बुरा हाल हो जाएगा। इसके बाद अगर और 5 साल ऐसे चल गया ना, तो शहर हमारा 20 साल पीछे चला जाएगा जी। युवाओं की सोच है कि अगर इस बार भी ऐसा रहा तो सिरसा बहुत पीछे चला जाएगा, इसीलिए पूरा सिरसा का कारवा देख सकते हैं, पूरे सिरसा के लोग यहाँ 31 वार्ड और 31 गांवों से मौजूद है। 31 वार्ड की बात नहीं करूंगा, उनको चाहने वाले इलाहाबाद से भी और रानिया हल्के से भी लोग लगातार ताड़ियों की गिरगिराहट आप हमारे साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसी के बीच में गोकुल सेतिया भी यहाँ पहुंच चुके हैं, बड़ा लोग उनके साथ
तो आप देख रहे हैं कि गोकुल सेतिया को लगातार हमारी बहनें हैं जो नारे लगा रही है, गोकुल सेतिया जिंदाबाद, गोकुल सेतिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, गोकुल सेतिया जिंदाबाद, गोकुल सेतिया आगे बढ़ो, लगातार जहां भी देखेंगे यही नारे गूंज रहे, यही बातें गूंज रही है। फिर से एक बार और नारा, गोकुल सेतिया जिंदाबाद, गोकुल सेतिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, गोकुल सेतिया आगे बढ़ो आगे। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा तू थोड़ा ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि गोकुल सेतिया जी यहां पहुंच चुके हैं और अब वो फिर जनता को संबोधित करेंगे। लोगों का पूरा प्रेम उनके लिए उमड़ा हुआ है, पूरी देखिए हमारे साथ राजू भाई भी है, पूरा क्या कहना चाहेंगे आज गोकुल भाई के लिए? गोकुल भाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा, गोकुल भाई जिंदा, सिरसा की आन बान शान गोकुल सेतिया, सिरसा की आन बान शान गोकुल सेतिया जिंदा। लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे पंडाल के अंदर नारे गूंज रहे हैं, पूरी जवान का धनी गोकुल सेतिया, जो कह दिया वो होगा। सिरसा वासियों आप सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप बढ़ चढ़ कर गोकुल सेतिया का साथ दें और सिरसा का नहीं पूरे हरियाणा का विकास कराएं। जय श्री राम सिरसा। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ गोकुल भाई पहुंच चुके हैं और गोकुल भाई का आप देख रहे हैं पूरा काफिला, पूरा खड़े गोकुल सेतिया का, पूरा गोकुल सेतिया को चाहने वाले लगातार देख रहे हैं कि इतनी फैन फॉलोइंग, पूरी पूरा पूरा दृश्य आप हमारे साथ देख रहे हैं कि गोकुल सेतिया को चाहने वाले लगातार लोग, लगातार लोगों का देखिए गोकुल सेतिया को बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है और पूरा पूरा दृश्य आपको हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से हम लाइव दिखा रहे हैं। गोकुल भाई भी यहाँ पहुंच चुके हैं और गोकुल अब यहाँ पहुंचने के बाद थोड़ी ही देर बाद जनता को संबोधित करेंगे और इतना खचाखच भीड़ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, तो इतनी फैंस फॉलोइंग गोकुल की आप हमारे साथ हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। गोकुल भाई पहुंच चुके हैं और अब गोकुल भाई द्वारा लोगों का अभिवादन किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा और तमाम दृश्य आप हमारे साथ हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं कि गोकुल है दिलों का राजा, सुन लो आज की खबर ताजा, आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज हाजिर हरियाणा में हमारे साथ हाजिर है युवा नेता गोकुल सेतिया जी, जो कि आज सेतिया पैलेस में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। तो आइए गोकुल सेतिया जी से दो बात दो चर्चा कर ही लेते हैं, तो आइए गोकुल सेतिया जी से चर्चा करते हैं। गोकुल जी हाजिर हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब जी। गोकुल जी मकानों में रहने वाले हो आप, महलों में कैसे टक्कर दी जाएगी? नहीं देखिए कोई इस तरीके की मंशा नहीं थी कि मैंने किसी फलाने से टक्कर ही लेनी है। देखिए किसी के पास पैसा होना वो कोई बुरी बात नहीं है, पर बात ये है कि पैसा होना और पैसे का किस हिसाब से फ़ायदा उठाकर इलाके का सत्यानाश जो कि करना है इन लोगों ने किया है, बात ये होती है। पैसा होना बुरी बात नहीं है और टक्कर टुक्कर देने की मेरी कोई किसी प्रकार की मंशा नहीं थी। मेरे को तो कभी ये भी नहीं ख्याल था मैं कभी राजनीति में आऊँगा, मैं आपको सच्चाई बताऊँ। ये तो बस कुदरत का एक सिस्टम बना तो पता नहीं लगा कब इस काम में आ गए। तो बस एक मन में इच्छा है कि जो एक पर्थ चढ़ी हुई है ना धर्म की पैसे की, उस पर्थ को उठाया जाए तो कहीं जाके हमारा इलाका जो है वो तरक्की कर पाएगा। नहीं तो दिन प्रतिदिन जितना खुशहाल हमारा इलाका होता था आज पूरे हरियाणा में उतना ही बुरा हाल हमारे इलाके का हो गया ऐसे लोगों का। जी लगातार देख रहा हूँ लोग टिकटों के लिए दिल्ली में दौड़ लगा रहे हैं और आप फील्ड में जाकर 31 गांव और 31 वार्ड में पसीना बहा रहे हैं। नहीं देखो बात क्या है, सबका काम करने का अपना स्टाइल है और कोई ज़रूरी ये भी कोई गलत नहीं है कोई टिकट मांग रहा है। देखो एक प्रोसीजर होता है सबकी अपनी पार्टियों का, जाना होता है अपने रिज्यूम देने होते हैं फिर जो कमेटी बैठती है वो चर्चा करती है, प्रोसीजर है और उसके लिए भी भागा दौड़ी उन लोगों के लिए ज़रूरी है। सबका अपना अपना एक सिस्टम है काम करने का, पर जो मैं समझता हूँ मेरा जो काम करने की मेरी जो कार्यशैली है वो शुरू से इस प्रकार की रही है। अपना अपना एक स्टाइल होता है, अपना वे होता है काम करने का, वो अपने स्टाइल से करते हैं हम अपने स्टाइल से करते हैं। मैंने पूरे कार्यक्रम में देखा एक एक युवा तक जाने की पूरी कोशिश की, हर युवा से यही बात निकल कर आई आप दिलों में बसते हैं, ऐसी कौन सी खूबी है जो लोग आपको बड़े सर माथे पर रखते हैं? देखिए ऐसा है कि सारा परिवार है, हमने ये भीड़ जो है ना तो कोई गाड़ियां भेज के बुलाई हुई भीड़ है
ना ही कोई और रतकंडे अपनाए जो और लोग अपनाते हैं। और मेरे साथ तो ऐसे ऐसे 20-20 साल से संबंध हैं, हम तो आपस में खेला करते थे और आज हम वही सारे राजनीति में हैं आपस में। तो ये बड़े कुछ अरोड़ा साहब के टाइम के संबंध चल रहे हैं, 3-3 पीढ़ियों के। अब जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो भी वैसे जुड़ रहे हैं जो हमारे जैसे हैं। 18 साल के भी देखे मैंने, 18-18 साल के युवा भी जुड़े हुए हैं। और अभी मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने 5.5 साल बाल संरक्षण विभाग में काम किया है, तो एक जो कि कचरा चुनते हैं, कचरा बीनते हैं, वहाँ भी एक युवक था, वो भी मेरे को मिला, वो भी बड़ा आपका फैन फॉलोइंग था। वो मेरा साथी है जी, वो हमारे सिंगी घाट मोहल्ले से है, मेरा साथी है वो। 15 साल हो गए उसको मेरे साथ मेहनत करते हुए, हम इकट्ठे खाते पीते हैं, बैठते हैं, परिवार है वो मेरा। कभी भी पैसे से कोई आदमी ये नहीं होता था। अच्छा, जिनसे मेरी टक्कर है राजनीतिक, उनके पास पैसों की तो कमी नहीं है, ये तो दिल की बात है। आप उस व्यक्ति का दिल देखो, बेशक वो कूड़ा चुकता है, पर वो उन लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ जाता है। उससे बड़ा अमीर आदमी और कौन होगा, दिल का धनी अगला। ऐसे दोस्त है मेरे तो। अंतिम प्रक्रिया लेना चाहेंगे, हाजिर हरियाणा के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का जो विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन था, क्या संजीवनी कार्यकर्ताओं को और यहाँ जो आम जन जो आपसे जुड़े हुए थे वो पूछे थे, चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा नॉर्मल वोटर को भी और जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, कि लोगों को बताएं। वैसे तो सब जानते हैं, कोई जनता बोली नहीं है, सब समझदार है, सियाणी है, सब समझती है कि 5 साल कौन किसने उनका साथ दिया है। 5 साल जब जनता को ज़रूरत थी तब वो लोग दिखे नहीं, सिरसा की धरती पे उन्होंने कदम भी नहीं रखा। और आज अगर कदम रख रहे हैं, आज अगर गटियां निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, तो वो एक हिसाब से स्पष्ट लालच देने का काम कर रहे हैं। और बुरा ना मानना, यही नेता थे एलना बाद जब किसानों के सामने चुनाव लड़े, पता है क्या कहते थे? कहते मोटो मोटो चौधरी भी बिके, पूछ लेना अगर मेरी बात झूठी हो तो जी। इस तरीके की शब्दावली इन लोगों ने इस्तेमाल करी, ये घमंड में चूर हुए पड़े हैं। और ये डरते मेरे से नहीं, ये मेरी टीम से डरते हैं। इनको पता है कि अगर कूड़ा चुगने वाला भी हो तो जाके 1-2 करोड़ रुपया रखाओ, नहीं आएगा। ईमानदार आदमी है तो मेरे से नहीं, वो कूड़ा चुगने वाले से डरते हैं वो जी। कि उनका मेरे साथ साथ है जी। तो आप हमारे साथ देख रहे थे गोकुल सेतिया जी, जो लगातार 5 सालों से जनता के बीच में 31 गांव और 31 वार्डों में लगातार पसीना बहा रहे हैं। और आज उनका विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। तो आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा पर हर खास खबर।